आज मैं आपके साथ चचीड़ा यानी कि छिचिंदा की बहुत ही हेल्दी टेस्टी सूखी सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये वाली सब्जी मैं आपको जो वीडियो में दिखा रही हूँ यहाँ पर, इसको आप देख लीजिए। अगर आपको ये मार्केट में मिल जाती है तो फौरन इसको खरीद कर बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही हेल्दी होती है। और इसकी सब्जी अगर आप बनाएंगे ना, गीली बनाइए, सूखी बनाइए, कैसी भी बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले नाइफ से इसको इस तरह से मैंने थोड़ा सा छील लिया है, इसका मैंने छिलका हटा दिया। इसके बाद में इसको टू पार्ट्स में कट कर लेंगे। अगर इसके बीज बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो इस तरह से स्पून से आप इसको हटा सकते हैं, और अगर बीज बहुत ज़्यादा मुलायम है, बिल्कुल भी बड़े नहीं है, तो आपको बीज निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने बीज हटाए हैं, वरना मेरे चचीड़ा भी बिल्कुल सॉफ्ट है, तो इसको इसमें बीज हटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और चचीड़ा को अपने हिसाब से छोटा या बड़े पीसेज में कैसे भी आप काट सकते हैं। तो सारे चचीड़ा हम इसी तरह से काट कर रेडी कर लेंगे और इसके बाद में सब्जी बनाएंगे। मैंने यहाँ पर चचीड़ा को छोटा छोटा काटा है, और आप चाहे तो थोड़ा बड़ा भी काट सकते हैं। इसको भरमा भी बनाया जाता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा काट कर। अब आइए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई लेकर इसमें डालें 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। वैसे आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल, पर मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। तेल को अच्छा गर्म करके 1/2 चम्मच जीरा डाला, 2 हरी मिर्चें डाल दी, और 1 बड़ी साइज़ की प्याज बारीक काट कर डाल दी। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। तो चचीड़ा को बड़े बड़े पीसेस में काटने के बाद में बीज से हॉलो करके, यानी कि उसके बीज निकालकर उसमें मसाला भरकर भी बनाया जाता है। तो भरमा सब्जी कहलाती है चचीड़ा की, छिचिंदा भी बोलते हैं इसे, स्नेक गोल्ड भी बोलते हैं, तो जो भी आप बोले। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले अच्छे से आपको भूनना है। तो प्याज जैसे ही हमारी भुनने लगेगी हम इसमें डाल देंगे चचीड़ा जो हमने काट कर रखा था। अब फ्लेम को आप कर दीजिए मीडियम हाई, और मीडियम हाई फ्लेम पर इसको 2 मिनट तक इसी तरह से सौते कर लीजिए, ताकि जो चचीड़ा है अच्छे से थोड़ा सा भुन जाएगा, सिक जाएगा, तो इसकी सब्जी में स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो हल्दी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, कोई भी अगर आप पत्तेदार सब्जी या फिर कोई भी हरी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें हल्दी कम जाती है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला, और मैंने इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दिया। 1/2 चम्मच के करीब नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो फटाफट से मैं सब्जी की रेसिपी आपको सिखा रही हूँ, ताकि आपका और मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट धीमी आँच पर पकने दीजिए। 5 से 6 मिनट के बाद में ढक्कन को हम हटाएंगे और फटाफट से एक बार इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो चचीड़ा है काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, पर अभी ये पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं हुआ है, तैयार नहीं हुआ है, तो इसको अभी हमें थोड़ा सा और पकाना होगा। तो फिलहाल हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 1 टमाटर को मैंने छोटे छोटे काट कर डाल दिया, और थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इसमें डाल देते हैं, ताकि खुशबू अच्छी आए और टेस्ट अच्छा आए, और इसको भी मिला लेते हैं। तो वापस से अब हम ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन लगाकर इसको 3 से 4 मिनट वापस से धीमी आँच पर पकाएंगे। तो टमाटर भी हमारा इतने बीच सॉफ्ट हो जाएगा, और चचीड़ा भी पक जाएगा। 5 मिनट के बाद में देखिए चचीड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। टमाटर भी पक चुका है और चचीड़ा भी अच्छे से पक चुका है, आपको देखने में रंगी समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया, और फटाफट से आप इसको लंच या डिनर में रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी की रेसिपी है, स्नेक गॉड आप सब्जी भी बोल सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अब बनाने के बाद में अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना और उनको आंसर करना। कोई क्वेरी हो तो वो भी मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। इसकी भरवा सब्जी भी बनाई जाती है, अगर आपको वो रेसिपी भी चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी सिखा दूंगी। तो फिलहाल तो ये वाली रेसिपी इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विद न्यू रेसिपी। बाय, लव यू।